का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज असी श्री गुरु नानक जी के विआह गुरु को मुख रखते हैं, जो 505वां 13 सितंबर मनाया जा रहा है। उस ही इतनी जिहड़े कीते जा रहे प्रबंधा विच, जिहड़ा एक प्रबंध जिहड़ा कि आदत बाबे दे विआह ते जिहड़ा साडे शहर दा सहि किसान है, इसे काफ़ी लोग लड़ियां लाते हैं, गुरदास साहब लड़ियां लगनिया तो बिजली वाले लोड उस तारा से पाई जाते हैं। हालांकि उन्होंने चाहिए कि वक्री पैन बिछा के उसे टेपिंग की हो, स्पार्किंग का चांस ही ना बने। यदा जरा वा कि कितों वर्त होना वा साडे गुरदास साहबान मंदिर धार्मिक स्थानों बिल्डिंगा च सरकारी गैर सरकारी इतों तक कि अं साड़िया कोठियां हमेशा 1 करोड़ तक हो गई पर आ सिलेंडर है नहीं गए। इस करके ये गल बारे जानकारी होना बहुत ही जरूरी है सारे को। इसकी जानकारी ना ही असं जरा वा कई लखा का नुकसान जरा बिल्कुल छोटा जा 100-200 तक भी कर सकते हैं जो सू जानकारी होगी। नहीं तो नहीं फिर आप बड़ी जगह जाने सिलेंडर देखते हैं पूछी दा वा और उन्हें नहीं सू नहीं पता की करना लगा ठीक लगे इन वरतना पड़ेगा सू वरतने जाँच होनी चाहिए क्योंकि जो अं वरतने की जाँच सीख लेंगे ड्रिल लै लेंगे तो मौके पर अभी सामभ सकते हैं नहीं तो सू हाथों पैर भी पैर ही करिए। एक तुम होर दवेंगे लास्ट में जी गल करा एक हम तो पहले तुम सब पहले साढ़े पास आए हैं नीरज शर्मा जी फायर ऑफिसर ने फायर ब्रिगेड तो आए हैं सिर्फ ताे वास्ते आए हैं आप हर साल आने पूरी तैयारियां संपूर्ण ठीक है जी। बाकी सिलेंडर बारे इस तरह वाकई ये है फस्ट एड एक हैगी फायर की जिम्मे छोटी मोटी अग लग गई कोई गैस सिलेंडर की या शॉर्ट सर्कट की या फायर ब्रिगेड के आने तो पहला ये उत्ते काबू पा सकते हो ठीक है जी। साढ़े वालों पिछली बार भी यही इस तरह ही किया इतने भी गुरुद्वारा साहब जी भी प्रोवाइड कराए थे सिलेंडर गुरुद्वारा खान साहब जी भी प्रोवाइड कराए थे। इस बार भी साड़ी यही प्लानिंग है भी अभी अपने पद्धर से 5-7 सिलेंडर जो उत्थे लगावे और सेवादार ने उन्होंने प्रोपर इस बारे जानकारी बाकी साड़िया टीम भी हर गुरुद्वारा साहब के लागे ड्यूटी दे रही ने। आप 6 पॉइंट बनाए गए पराले शहर के जिते भी घटना ना हो सा टीम सिविल डिफेंस के नाल इन्हों का सूँ बहुत सहयोग आ क्योंकि साड़ा स्टाफ जरा थोड़ा घट है इस वे मतलब बटाले जरा इन्हों के सहयोग के नाल और ताे सहयोग के नाल असं चाहते हैं कि बाबे के विआह पर्व पूरी मुकम्मल तैयारियां करके वधिया तरीके चलिए ठीक है जी। अभी अभी तुम प्रोवाइड करा देंगे ठीक है जी। बाकी थोड़ा जहा साथ भी दियो ये सिलेंडर को चला का तरीका यदि आप नोजल जी टेबल अग लगी है नोजल जी टेबल करके आ पिन की इतों कट लाँगे पिन कट के और जिते अग की सीट आ अग की लंब नही आप बजा जिते अग की सीट है जो लकड़ अग लगी है अपना लकड़ उत्ते फायर करना ना कि फ्लेम चलती है थले सीट न विद इन मतलब 15 सैकेंड की कार होता है अग में बुझाने कारगर नंबर नोट कर लो सारे 91-157 फायर ब्रिगेड बटाला लिख लो 91-157-96-801 जो साथी घर है हर होना चाहिए वा 91-157-96-801 फायर ब्रिगेड बटाला लिख लो कितने एमरजेंसी लोड पैसे कॉल कर सकते मोबाइल नंबर है कितने इंडिया च होर भी कितने है तुम 112 नंबर से कॉल कर सकते हो तुहाडे मोबाइल च पैसे भी नहीं है तो भी कॉल होगी। एक मिल चक लग गई बटाले की 12 सिलेंडर पे चलाने की जांच नहीं कही साढ़े बंदे गए हरदीप सिंह गीत नाल हो रहे इन्होंने पिंड खिंच के 12 पर अग काबू नहीं पर 12-12 चलाए वो सारे कहते करना की है बस एवं करी जाते करना की है। अज आप थोड़ा जहा सिर्फ तुम्हें निकी जी झलक माड़ा दसने बोलता नहीं दस सके इस करके आस करते कि जरूरत ना पवे फायर ब्रिगेड टीम का मेरी अपनी सिविल डिफेंस टीम का ता सारा धन्यवाद कि बैठ गए साड़िया फौज जो सेफ्टी के गुर सीखे कितना कितने जिंदगी जरूरत जरूर पैंती अज इतने कल परसों जिंदगी जरूर लौट पैंती है। आप वही घटना में होने तो छोटी जी करके
ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀਟ ਆ ਉਹਨੇ ਗਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਝੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਦੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਬਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਲਾਸਟ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਕਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕਦਮ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।